हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स के बारे में, और वर्ब्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्ब। तो अब तक आपने मॉडल वर्ब्स को भी देखा कि मॉडल वर्ब कैन, मे, माइट, शुड, वुड कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनमें हैव लगा करके कैसे सेंटेंस का सेंस बदला जाता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, इनमें हम क्या देखेंगे, आज हमें पढ़ना है कि हैव टू और हैड टू, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सेंटेंस में किस प्रकार का सेंस देते हैं। अगर हम किसी भी वाक्य में इनका इस्तेमाल कर ले तो उसका अर्थ किस प्रकार से आएगा, ये हमें समझना है। तो कुछ याद करने की कोशिश करिएगा कि जब भी हम कोई काम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, मजबूरी में करते हैं, या फिर हमें किसी अनिवार्यता से, किसी कारणवश हमें वो करना पड़ता है, उस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। जैसे यार मुझे आज कॉलेज जाना पड़ रहा है, मन नहीं कर रहा लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे देख लिया। कहते हैं उसे मेरे घर आना पड़ेगा, वो आना नहीं चाहता लेकिन उसे मेरे घर आना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे कोई काम या तो मजबूरी में किया जाए, जब किसी कार्य को मजबूरी, अनिवार्यता मजबूरी में किया जाए या अनिवार्यता के कारणवश किया जाए, किया जाए तब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के टेंस में हैज टू या फिर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, तथा पास्ट के टेंस में हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए देखा जाए। जब किसी कार्य को मजबूरी या अनिवार्यता के कारण से हमें करना पड़े, तब अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होगा तो उसमें हैज टू का या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट का होगा तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें कहना है कि राम जी को वन में जाना पड़ा, भाई किसकी इच्छा कि हम वन में जाएं, किसी की नहीं होगी लेकिन जाना पड़ा। महाराणा प्रताप को कष्ट सहने पड़े, या 6 बज गए हैं मुझे अब घर जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, घर पे बहुत काम है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे परीक्षा में पास होना है इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई काम किसी मजबूरी में किया जाए या किसी अनिवार्यता की वजह से कारणवश किया जाए, हमारी इच्छा नहीं है करने की फिर भी हमें करना पड़ रहा है, जैसे मुझे दवा लेनी पड़ेगी, दवा कौन खाना चाहता है, कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए दवा खानी पड़ेगी। तो जब भी कोई काम हमें ऐसे मजबूरी में करना पड़े या अनिवार्यता के कारण करना पड़े तो हम प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट के टेंस में हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और किसके साथ हैज टू हैव टू लगता है, चलिए देख लिया जाए। अगर ही, शी, इट या फिर कोई नेम है, यानी सिंगुलर में ये हमारे प्रोनाउंस, तब किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हैज टू का, ये प्रेजेंट के लिए है। अगर आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल, तो जब हमें प्लूरल मिला तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हैव टू का इस्तेमाल करेगा। और ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, प्रेजेंट टेंस के लिए है, ये किसके लिए है, प्रेजेंट टेंस के लिए है। आते हैं अब दूसरी तरफ। तो अगर हम पास्ट में चले आए, ही, शी, इट, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ईटीसी, चाहे कुछ भी हो जाए, पास्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
पास्ट टेंस में सबके साथ हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो रूल हो गया, ये थ्योरेटिकल बातें हो गई, प्रैक्टिकली इनको कैसे समझा जाए, कैसे इसका यूज किया जाए, चलिए उसको भी देखा जाएगा। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इंडेफिनिट में होगा तो भी हैज टू हैव टू, कंटिन्यूअस होगा तो भी हैज टू हैव टू, परफेक्ट होगा तो भी हैज टू हैव टू, सबके साथ सिंपल सिंगल स्ट्रक्चर रन करता है। चलिए समझा जाए, मैंने कहा मुझे नाचना पड़ता है, नाचना पड़ता है, मैं नाचना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे नाचना पड़ता है। हो सकता है इसके पीछे कोई मजबूरी रही हो, पैसे की जरूरत हो या फिर कुछ और हो, तो जहां मजबूरी में काम करना पड़ा तो पड़ता वर्ड आ जाता है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे की स्पेलिंग आई, आई के साथ ये है वर्ड आ रहा था, यानी प्रेजेंट का टेंस है, मुझे नाचना पड़ता है, फिलहाल में मैं नाचता हूं, अगर ऐसे सेंटेंस मिल रहे हैं प्रेजेंट टेंस में आया, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा, हैव टू का। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई हैव टू। बचा क्या, नाचना, नाचने की स्पेलिंग डांस, आई हैव टू डांस। मैंने कहा मुझे जाना पड़ रहा है या तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम जाना तो नहीं चाहते लेकिन तुम्हें जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें की स्पेलिंग यू, यू के साथ हैव टू और जाने की स्पेलिंग गो। हम कहें तुम्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है तो टू दिल्ली लग जाएगा बाद में। तो ये चीजें होती हैं प्रेजेंट में, एक हो गया मेरा इंडेफिनिट, चाहे दूसरा हो गया परफेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। अगर हम आ जाए पास्ट की तरफ, जैसे कि राम को, या फिर राम ने श्याम को मारा, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो राम को श्याम को मारना पड़ता है, राम को श्याम को मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, वो पीटना तो नहीं चाहता लेकिन श्याम इतना बदमाश है कि उसे पीटना पड़ जाता है। यहाँ पे अनिवार्यता की बात आ गई, कि वहां पे ऐसी चीज आ गई कि मजबूरी है, राम श्याम को पीटना नहीं चाहता लेकिन श्याम इतना बदमाश है कि राम उसको पीटता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राम, राम है हमारा नेम है, तो नेम के साथ हैज टू, पीटने की स्पेलिंग बीट श्याम, राम हैसु बीट श्याम, राम श्याम को पीटना पड़ता है, इस तरीके से सेंटेंस हमने बना लिया। अगर यहीं पे हो जाता कि राम को किताब पढ़नी पड़ती थी, पढ़नी पड़ती थी, पढ़नी पढ़ती थी, राम किताब पढ़ना तो नहीं चाहता था लेकिन राम को किताब पढ़नी पड़ती थी, तो राम, अब थी आ गया तो ये पास्ट टेंस में आया, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड टू, राम हैड टू रीड बुक। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि उसे खाना पकाना पड़ा, एग्जांपल्स इरेज करते हैं ताकि स्पेस रहे तो समझा सकें। मैंने कहा कि उसे खाना पकाना पड़ा, उसे खाना पकाना पड़ा, ठीक है, उसे खाना पकाना पड़ा, तो उसे की स्पेलिंग ही भी हो सकता है या फिर शी भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ही या शी। अब पड़ा मतलब पुरानी बात है, उसे उस दिन खाना पकाना पड़ा, पास्ट में आ गया, तो पास्ट के साथ ही या शी के साथ हैड टू, क्या पकाना पड़ा, भोजन, कुक फूड, He has to cook food. He had to cook food. Had होगा, He had to cook food. ठीक है, अब हम कहें कि मुझे श्याम से बात करनी पड़ी, मुझे श्याम से बात करनी पड़ी, ठीक है भाई, मैं करना नहीं चाहता लेकिन मुझे श्याम से बात करनी पड़ी, तो पास्ट में चला गया, आई हैड टू टॉक टू श्याम,
ठीक है, तो हैड टू का इस्तेमाल कर लिया गया। चलिए और एग्जांपल्स को देखा जाए, समझेंगे जितना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट उतनी बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं, एग्जांपल ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी अब तक कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पे पढ़ता है पढ़ा वर्ड मिलते हैं वो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी बस थी 8 बजे, ट्रेन थी 8 बजे, ट्रेन छूट गई, 9 बजे बस है, मैं बस से जाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी कि मुझे वहाँ पे आज पहुँचना है, तो मैं क्या कहूँगा, यार ट्रेन छूट गई अब बस से जाना पड़ेगा, अब बस से जाना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में जाएंगे एक बात हो गई। तो अगर यही टेंस ही अगर फ्यूचर में आ जाए, ही शी इट या नेम, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, विल हैव टू, और यहाँ पे यू वगैरह होता है तो भी फ्यूचर में क्या होता है, सबके साथ, दे आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, यहाँ भी लेकिन विल हैव टू का ही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब बात श्योरिटी की आ जाती है। तो फ्यूचर का टेंस होगा तो विल हैव टू, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, अब भाई ये फ्यूचर की बात आ गई, तो यू विल हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है, तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, तो भाई फ्यूचर की बात है, अभी तो नहीं लेकिन बाद में तुम्हें पकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड, मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मुझे प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल, मीट द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, अब यहाँ पे द का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग सुन रहे हैं यहाँ पे द लगेगा कि नहीं लगेगा, आर्टिकल आपको पढ़ाया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये समझिएगा कि आई विल हैव टू मीट द प्रिंसिपल। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो ही शीट के नेम के साथ हैज टू लगा दिया जाता है, और प्लूरल हुआ तो हैव टू लगा दिया जाता है, पास्ट में है तो हैड टू, और फ्यूचर में है तो विल हैव टू। इसमें इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट का कोई रोल नहीं होता, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है। जब भी हमें सेंटेंस को मजबूरी में कुछ काम करना पड़ रहा है, तो मजबूरी जताने के लिए या फिर कोई वजह बताने के लिए, यार इस कारण मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं करना नहीं चाहता, यानी कि जहाँ पे इंसान की इच्छा ना हो फिर भी वो कोई काम करना पड़े, ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय हैज टू, हैव टू या विल हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।